नमस्कार करोना परामर्श को स्वागत करुच्छू हाथों दर्शक बंधु आम प्रत्येक दिन करोना परामर्श में डॉक्टर सहित जोड़ी हूँ किंतु एसबु भितर करोना संक्रमित संख्या राज्य में केत अच्छे अर्थात संक्रमित संख्या आम देखु लगातार 5000 तले रही संक्रमित संख्या कम रही पॉजिटिविटी रेट कमुच्छे किंतु मृतकों संख्या बढ़ुच्छे जहाँकि चिंतार विषय पलटि ये हूँ राज्य जो कथ सामना आसूर आज जो कथ आखापाखि 4000 उपर संक्रमित संख्या रही किंतु सत्वे मृतकों संख्या प्रत्येक दिन 40 पार कर चिंताजनक विषय पलटि कहीं मृतकों संख्या बढ़ुच्छे अंपटे ये द्वितीय लहर कथ आम देखी प्रथम लहर आम देखी कि भाव में वयस्क जो मैंने रही थे जो मैंने वृद्ध वृद्धा से घारूला द्वितीय लहर जिते सामना को आसला युववर्ग को अधिक घारा आउ या परवर्त समय जो द्वितीय लहर संक्रमित संख्या कम रही तो कौटना कौटि समस्त मन में आशंका रही तृतीय लहर भय व तृतीय लहर के घातक साजिपे जिते कह शिशु मानी यह अधिक भयानक तो केते यहाँ घातक साजिब एने आम डॉक्टर को परामर्श नेबू आम सहित आपने जोड़ी पारे कि आम आपको ग्राफिकाली देखा चाहूँ प्रकृत में कोरोना संख्या राज्य में किभ भाव में कमी चली पूरा संपूर्ण तथ्य आम आपको निकट को देवाक चाहूँ ये देखो जो कथ कह राज्य ये हूँ ओडिशा तो ओडिशा आम पूर्व किसी दिन पूर्व जमीक आप देखा जे अनेक स्थान रही रेड जोन में कितु एवं देखो ये गोटे खुशी खबर बोली आम कहीपर जे संक्रमित संख्या कम रही पाखापाखि मयूरभंज बालेश्वर आउ किटा स्थान को देखो मात्र रेड जोन में रही तो बाकी आउ सब देखो येलो जोन और ग्रीन जोन में रही ये हूँ रेड जोन में मात्र जब आम गणवा 7-8 जिला रही रेड जोन में संक्रमित संख्या 1000 उपर रही तो ये हूँ आम राज्य तथ्य कह ग्रीन जोन जो गुड़ा देखुं येलो जोन देखुं ये हूँ संक्रमित संख्या ढेर कम रही किंतु सबुठ आश्वस्ति खबर आसुच्चे संक्रमित संख्या द्वितीय लहर कमी जाए तो रेड जोन रही किटा स्थान और बाकी सब स्थान रही येलो और ग्रीन जोन रही तो कौटना कौटि ये गोटे खुशी खबर बा द्वितीय लहर संक्रमित संख्या कमुची आहुरी कमी स्वास्थ्य विशेषज्ञ जहाँ आकलन करुँच ये आउ गोटे तथ्य देखो ये तथ्य हूँ आपने देखुं 64% रही सहित 36% रही अर्थात ये हूँ मेल आउ फिमेल पुरुष संख्या व पुरुष प्रतिशत केत रही के संक्रमित करुच्छे पुरुष को और महिला केत संक्रमित करे हूँ से ही तथ्य रही अंपटे देखो ये रही मेल फिमेल एज वाइज केते वर्षर लोक घारूँ तो ब्लू देखुं ब्लू जो कर्व रही ये हूँ ब्लू पूरापूरी संपूर्ण भाव युववर्ग को आक्रांत करुच्छे द्वितीय लहर कोरोना संक्रमण अंपटे रेड जोन देखुं येलो एवं ग्रीन देखुं येलो आउ ग्रीन अर्थात किटा जो मैंने कम बयस रही 0-14 वर्ष और जो मैंने 60+ वर्ष रही तो कौटना कौटे वयस्क छोट पा द्वितीय लहर संक्रमण से घारी पारिना कि ब्लू मार्क देखुं ये ब्लू मार्क जो रही युववर्ग को घारी द्वितीय लहर संक्रमित संख्या ये रही आउ एक तथ्य आम आप निकट को आने ये हूँ जिला वारी ये हूँ जिला वारी तथ्य अर्थात ये हूँ जिला वारी मैंने देखुं आपने जिला वारी तथ्य मुझे आपको देखाऊँ जे केते संख्या करोना संक्रमित संख्या सबुठ ओडिशा रे केउठारे अधिक रही ये 5 जिला रही जो थे कि अधिक रही करोना संक्रमित संख्या खोर्धा कटक बालेश्वर पुरी एवं अनुगुल प्रत्येक दिन देखुं खोर्धारु सर्वाधिक करोना संक्रमित चिन्हट होती 700 आज करोना संक्रमित चिन्हट होती अंपटे कटक 500 तले जदिव 480 संक्रमित चिन्हट होती परवर्त समय जब आसवा तृतीय रे बालेश्वर रही अर्थात 296 संक्रमित संख्या रही पुरी रे देखुं 255 और अनुगुल रही 226 अंपटे देखो मृतकों संख्या ये तो रही थे पॉजिटिव संख्या केत रही 5 जिलार तथ्य आम आपको देखलु कि ये देखो मृतकों संख्या अर्थात मृतकों संख्या केउठार अधिक रही खोर्धा जिला समान भाव में रही खोर्धा जिले रही 5 जन मृत्यु होनेपटे कटक देखो 3 बालेश्वर में रही पुरी में 3 रही आउ अनुगुल रही 2 अर्थात अनुगुल 2 जन मृत्यु होती ये आम आपको पूरा जिला वारी तथ्य देखलु केते पॉजिटिव संख्या रही है केते मृतकों संख्या रही है कोरोना रे तो आम आपको देखाऊ ये तथ्य बा आज जो अपडेट आसूरी कोरोना को नहीं आम से अपडेट आपको देखाऊ कि जदि आप कोरोना आक्रमित आक्रांत होता और घर संघरथ में रही कि आपणारोन जेकोसी लक्षण भी रही तेज बिल्कुल भी व्यस्त हमें ना कहीं 24 घंटिया ओडिया न्यूज चैनल अर्गस और ओडिया समाज मिलित सहयोग में आरंभ हो वरिष्ठ डाक्तर परामर्श और टेलीमेडिसिन सुविधा सकाल 9 राति 9 आपने मिस कॉल देले आपनको पाखरे पहुंची जीवो चिकित्सा सेवा। देशरे कोरोना संक्रमण बढ़ी बढ़ी चली छि एहरी भितरे कोरोना आक्रांत माने संगरोधरे रही सुस्थ होबा को चाहुचंदी उभय कोरोना पॉजिटिव एवं कोरोना लक्षण देखा जाउथुबा व्यक्तिको क्षेत्र रे एहरो मुकाबला करिवारे समस्या पालटि छि डाक्टरी सेवा
करोना कटकणा समय घरे घरे डाक्तर पहुंचा भी संभव ना। एपरी संकट समय 24 घंटिया ओडिया न्यूज चैनल अर्गस एवं ओडिया समाज मिलित सहयोग में आरंभ हो वरिष्ठ डाक्तर को परामर्श एवं टेलीमेडिसिन सुविधा 01141236679 नंबर को लिखि रखु। जदि आपण कोरोना पॉजिटिव किंबा आपण कोरोना लक्षण रही घरे रही डाक्तर को सेवा चाहते तबे गोटे मिस कॉल रे एही सेवा पहुंचिबा आपनको पाखरे सकाळ 9टा रु राति 9टा मध्येरे आपण माने एही नंबर रे गोटे मिस कॉल दियंतु। डाक्तर को परामर्श नै चिकित्सित होइ परिबे, औषध संबंधी सूचना मध्यम पाइ परिबे। देशर बछापछा डाक्तर को सहित टेलीफोन रे परामर्श करिबा परे आपण सहज रे एवं सुविधा रे चिकित्सा सेवा पाइ परिबे। तेंनु जदि आपण कोरोना रे आक्रांत किंबा आपनको थारे कोरोना लक्षण अछि तबे एही नंबर रे मिस कॉल करंतु। नंबर टी आपन को आउ थरे कहि रखुछु 01141236679। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज आवश्यक जनता प्रश्न उत्तर देवाई अच्छा डॉक्टर सोनल पटेल। डॉक्टर सोनल ओडिशा समाज दिल्ली पैनल सदस्य और डॉक्टर परामर्श आपको कल करेंगे और आम नंबर आपंक निकट में स्क्रल करुच्छी स्क्रीन आपने देखिपे स्क्रल हो तो आम सहित आज सीधासल जोड़ रही डॉक्टर सोनल पटेल रही। डॉक्टर पटेल आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को। प्रथम तो जानकु चाहिए बर्तमान आम राज्य में देखु तलमुहा संक्रमित संख्या अर्थात पॉजिटिविटी रेट कम रही कि डेथ रेट ऊपर मुहा रही। डेथ रेट बढ़ी चलची माने किछि कमु नहीं जेतु आमरो केसेस कमिले भी आम राज्य रे डेथ रेट किछि कमी नहीं कहीं की ना ए सेकंड वेव रे आमे जहा देखिछु वायरस टी बहुत बहुत स्प्रेड करछि आ बहुत वायरलेंट होछि जोटा जा माने होछि कि एटा बेसी सीरियस कॉम्प्लिकेशन करियर चांस रखुछि तो सी जगू हम केस कमिले भी पेशेंट करो कॉम्प्लिकेशन सी हमें कमिया किछि देखुनु तो सी जगू हमर डेथ रेट्स कमिया हमें प्राय देखुनु। ओके डॉक्टर पटेल आ गोटे कथा जानक चाहे प्रकृत ये डेथ रेट काहे के बढ़ुचे जो माने अधिक संक्रमित हो हॉस्पिटलाइज्ड थिले माने समान हॉस्पिटल चिकित्साधीन अवस्था रे थिले ना कोति पाई कि ये डेथ रेट बढ़िबार कारण कोन होइथाय पारे टेस्टिंग सुविधा बढ़ी ले भी राज्य रे आज भी बहुत लोगों का टेस्टिंग डरटी रही तो लोक मैंने एकदम जेबेटू सिम्टम आसुची सेबेटू टेस्टिंग करूना बहुत लोग आज भी तो से जोगू ट्रीटमेंट स्टार्ट करियारे बहुत लोगों को आमे माने बहुत लोग बहुत देरी रे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर जो जो जगू आमे कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे देखु छु ए सेकंड वेव रे। ओके डॉक्टर पटेल एठे तो आपण कहले जे लोक डरी किने हॉस्पिटल जाउ नहंती प्रकृत रे लोके भयभीत रहउछंती बा भय रे जाउ नहंती टेस्टिंग पई हॉस्पिटल को जाउ नहंती तो सेमन को कोन कहबे बा सेमन को कोन परामर्श देबे जे उथरे कि से माने हॉस्पिटल जिबे कोन परामर्श देबे मु ए कहिबे चाहिबी कि टेस्टिंग इज मैंडेटरी जोटा कि मैंने टेस्टिंग करेले ही आमे जानी परिवा आमे आउ का को स्प्रेड हवा आमे अटके ही परिवा कोविड आउ जो आउ तांको घर लोकन को स्प्रेड न हो बोली आमे जिंसटी अटके ही परिवा आमर अर्बन एरियाज जो भी शहर गुडा रे जहां भी लोक बहुत स्ट्रिक्टली मानु छंती कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सब रहुचि किंतु गां गणा गुडा रे प्राय एबे तक लोकन को डर अछि आउ लोक माने एबे बे टेस्टिंग ये को डरु छंती सेति पई एकदम तांको सिम्टम देखा दो दो से माने बहुत जणो परामर्श नो नांती डॉक्टर मान को जो जो को हमरा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हमें देखु छु इथरो ई सेकंड वेव रे पटे। ओके आगो को मध्य डॉक्टर पटेल जारी रहिबा हमर आलोचना बा आहुरी अनेक किछि परामर्श मध्ये आमे नबु किंतु जो कथा हम सते आज आलोचना करथले बा डॉक्टर सोनल पटेल हम सते जोडी रहचंती जे कि ओडिया समाज दिल्ली पैनल रा सदस्य आलोचना मध्ये हमर आगो को जारी रहिबा किंतु ए छोटो कमर्शियल ब्रेक परे।
ब्रेक परे पुनि थरे स्वागत करूछि दर्शक बंधु आमे समस्त जानिछि द्वितीय लहर रे संक्रमितक संख्या कम रहूछि एवं समस्तक मनरे बे घारिलानी तृतीय लहर भय जेतेबेले कि पिलांकु अधिक संक्रमित करिपो आ गोटे बड कथा आसुछि जे आयुष मंत्रालय विशेषज्ञ मानक द्वारा प्रस्तुत हेउतिबा एक सविशेष विवरणी युक्त डॉक्यूमेंट जारी करा जायछि जेउथिरे कि पिलामानक आमे किभळि सचेतन रखिबा सेनै तमाम दिग उपरे मथे आलोचना करा जायछि जहा कोविड-19 संक्रमणरो पिलांकु निरापद रखिबा निमते गोटे गाइडलाइन भळि काम देबो ए डॉक्यूमेंट रे कोविड-19 महामारी समय रे पिलांको पई घरोई जत्नटा केते इम्पोर्टेंट रुचि पा समानको मार्गदर्शिका एवं पिलांकर सुरक्षा किभली रखा जिवो बा डाक्टरन को परामर्श किभली निया जिवो से विषय रे कहा जाई छे पत्र रे मंत्रालय पक्षरु जो कथा उल्लेख करा जाई छे जे प्राप्त वयस्कक अपेक्षा पिलामानको क्षेत्र रे संक्रमण सामान्य हेउतिले मध्ये कोविड-19 द्वारा आक्रांत अधिकांश पिलांको लागे निर्दिष्ट कोनसे चिकित्सा आवश्यक नाही ए मारात्मक भूताणु कबलरो पिलामानको अधिक सतर्कता अवलंबन करबाको पडुछि आ तापाई सबटु भलो उपाय हेउछि मास्क पिंधिबा योगासन करबा आयुर्वेदिक उपचार करबा पोषक तत्व युक्त प्रतिरक्षात्मक औषध उपर उपचार करबा एवं टेलीफोन जके डाक्टरों को सह परामर्श रे रहिबा कोविड-19 रो पांचटी लक्षण प्रति दृष्टि देबा एवं विशेष करी पिता माता माने टीका नेबा आदि केतेक उत्तम परामर्श उक्त डॉक्यूमेंट रे उल्लेख करा जाय छे तो पिलांको पई जेतेबेले भय रहुछि तृतीय लहर भय रहुछि तो पिलांको पई कोटना कोटी केते घातक साची पारे एने में अधिक मध्य आलोचना करबा हम सहित डॉक्टर पटेल जोड़े रही लगातार भाव डॉक्टर पटेल पुणी थे आपण निकट को फेर को चाहिए डॉक्टर पटेल जो कथा आम बर्तमान आलोचना करूँ द्वितीय लहर तो संक्रमित संख्या कमिला तो कौटना कौटे लोकों मन में तृतीय लहर भय देखा आज जहाँकि पिलामानुको अधिक विशेषकर पिलामानुको पई अधिक घातक साजि पारे बोली कहा जाउछि प्रकृति में कौन कौन सब लक्षण रहिबो बा पिलांको किभलि सतर्क रखिबा कौन परामर्श देबे थर्ड वेव आम तृतीय लहर जोटा कहे जो डर रोचे कि आम फेस करसंता किसी मस भे मे भी तो से इंडिकेशन नहीं तक जो छुआ मान रो अधिक हम सेटा एबड़ कोहा जाई परिबोनी किंतु आमे से छुआ होंतु किंबा वयस्क लोक होंतु आमे आमे जो कोविड रिलेटेड सब प्रिकॉशन आमे धरि रहिबा जेंति कि आमे मास्क पिंधाटा कंपलसरी करिबा हाथ धोइबा साबुन रे थर थर हाथ साबुन रे धोइयार तार इंपोर्टेंस टा बुझेबा ए सब बिहेवियर आमे जहाँ भी रखुचे कोविड बिहेवियर ए गुड़ा आमे छुआ मान को बुझे पारिबा आमे तांको बुझे कि तांको प्रिपेयर करि पारिबा कि थर्ड वेव आसीले भी आमे छुआ मान को बुझे कि रखि पारिबा कि यार इम्पोर्टेंस टी कौन से हिसाब रे आमे छुआ को प्रोटेक्ट करि पारिबा इन केस अमर से छुआ माने सही थर्ड वेव रे अधिका इफेक्ट हुवंती ओके डॉक्टर पटेल ये जिते कहले कि आम पिला सतर्क कराइबा पिला से सजग कर रखा प्रकृत में जानक चाहिए गोटे छोट पिला बाहर को जाने तो अनेक टाइम आम देखीचु घर बाहर को चली जाऊँ कि अनेक लोक आम घर को आसुंट जो मैंने अति छोट पिला होता से क्षेत्र में आम कि सवधानता अवलम्बन करवा विशेषकर जो मैंने अभिभावक रोच जो मैंने पिला बापा माँ अच्छा से कौन कह चाहिए छोट छुआ मान सबुठ इम्पोर्टेन्स सबुठ सेफ रखियार सबुठ इम्पोर्टेन्ट दायित्व माँ बापा को माँ बापा ही बुझे पारे सी हैबिट गुड़ा इनकल्केट करेंगे छुआ मान भितर बुझे पारे सिचुएशन विषय केयर नहीं पारे तो पांच वर्ष तल छुआ मान तो आम से बुझे पार्टा कष्ट तो माँ बापा को ही सब सजग रही पड़ो छुआ प्रोटेक्ट करिया पे पड़िबो तांको हाथ धोइयार इम्पोर्टेंस टा सिखिया पे पड़िबो आ जदि छुआ मन को ये करिया पे चाहुचंती तांको किछिटा छोट छोट रिवार्ड देकी ई जिंसर इम्पोर्टेंस बुझी परिबे हाथ धोइयार किबा मास्क पिंधिबार काहेकि ना हमर 2 वर्ष रु अधिक वयसर छुआ मन को मास्क अपन पिंधिया डिजायरेबल माने पिंधि परिबे किंतु पेरेंट्स को सुपरविजन रे तांको पिंधे की रखिया पे पड़िबो पांच वर्ष रु अधिक वयस छुआ मान को आपण सब बुझे पारे से सब बुझी पारे तो केस रे मास्क मैंडेटरी करा हो
ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପଟେଲ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବୟସରୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତ ଘରେ ତ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବୁନୁ ବା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ତ ରଖିପାରିବୁନୁ, ତ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେହି କେସ୍ରେ ଛୁଆଟି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅଲଗା ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ରଖିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟେନ୍ସଟା ଛୁଆଟିକୁ ବୁଝେଇବେ। ତାପରେ ସେଇ ଖେଳିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆଟିର ହାତ ଯୁଆଡ଼େ ବି ହାତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାରିଥିବ, ସେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା ଇମ୍ପୋର୍ଟେନ୍ସଟା ବୁଝେଇବେ। ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ବାହାରେ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର କିମ୍ବା କେଉଁଠି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଛୁଆଟିକୁ ହାତରେ ସାବୁନରେ ଧୋଇବା, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟେନ୍ସଟି ଶିଖେଇବେ। ତାହେଲେ ଛୁଆଟି ଆଉ ଇଏ ଥରେର କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ଥର ଥର ଇଏ କରି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସେଇ ୱେରେ ହିଁ ଆମେ ଛୁଆଟିକୁ ସେଫ୍ ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରାପୁରି ମା ବାପାଙ୍କ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଘାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପଟେଲ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, ପ୍ରଥମ ଲହରଠୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଅଧିକାଂଶ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ରୋଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ରୋଗ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ରୋଗ ଅଲରେଡି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କୋଭିଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅର୍ଲି ଅନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। ମାନେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଇମିଡିଏଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲ ନ କରନ୍ତି ଡାଇବେଟିକ୍ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଲୋକଙ୍କ ଇଏରେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ଆଉ ଆଇସୋଲେଟ୍ ରହିବା। ଆଉ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଯାହାର ଅତ୍ୟଧିକ ରୋଗ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ପଟେଲ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୋନାଲ ପଟେଲ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ବାବଦରେ ଆମକୁ ଢେର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବା ଡେଥ୍ ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପାରେ? ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସୁଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଘାରୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ସୋନାଲ ପଟେଲ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପଟେଲ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ପଟେଲ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରୋଗ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିବ, ସେ ବାବଦରେ ତ ଆପଣ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଆମେ ସଚେତନ ରଖିବା ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ଆସୁଛି, ଟୀକା। ଟୀକା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଟୀକା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଜଣେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକକୁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ତାର ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଷ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଦେବା ଦିନରୁ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଠିକ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ଟୀକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ସେଇ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରୁହେ, ଆମ ଦେହରେ ନିଜେ ହିଁ ଆଣ୍ଟିବଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ଆଣ୍ଟିବଡି ଆମ ଦେହରେ ରହୁଛି ସେଇ ତିନି ମାସ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଟୀକା ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଲୋକଟି ଠିକ ହେଲା ତିନି ମାସ ପରେ ଟୀକାଟି ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତିନି ମାସ ପରେ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ।
ଆଜ୍ଞା ଓକେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ଟୀକା ତ ଏବେ ଗୋଟେ କରୋନା କବଚ ହୋଇ ସାଜି ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୀକା ନେଇପାରିବେ ଏବେ ତକ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯାହା ବି ରେଡି ହେଉଛି ତାର ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲିଛି ଏବେ ତକ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୀକା ଆସି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାର ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ବଢି ଯାଉଛି ଓକେ ତ କୋଟା କୋଟି ଆମେ ଏଠି ଶେଷରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଯେ କୋଟା କୋଟି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅବଭିୟସଲି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସବୁ ବିହେଭିୟର ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାର କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଆଉ ସାନିଟାଇଜ୍ ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ଟିକୁ ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ଡରୁଛେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଓକେ ତାକୁ ଆମେ ମାତ ଦେଇପାରିବା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ ଘାରୁଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପଟେଲ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ କରୋନା ପାଇଁ କି କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୋନଲ ପଟେଲ ଏବଂ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।